हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लास्ट वीडियो की तरह लाभान्वित हो पाएंगे हमारी दी गई जानकारी से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्री प्रेडिक्टेड कह दिया था कि मार्केट डाउन लग रहा है और अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, अभी भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तभी आपको चीजें पता चलेगी। हम विद स्टॉप लॉस टारगेट आपको सब कुछ बताते हैं और आप चाहें तो उसको उपयोग करें अपने फाइनेंशियल प्लानर की तरह एडवाइस लेके। दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि उस दिन मैं आपको बता देता हूँ, वो दिन हमने आपको बताया था कि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव है और आपने देखा कि ओपन हुआ और अभी नीचे और अभी भी यहाँ पर मार्केट नेगेटिव ही ओपन होगा। एस पर एसजेएक्स निफ्टी से हमें तो यही लग रहा है कि डाउन ट्रेंड की संभावना 1-2% और। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि अगर हमें क्या लेवल मिलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ में लोगों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां देख सकते हैं कि किस प्रकार की एक्यूरेसी के साथ हम काम कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए अकाउंट ओपन कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू विल डू हेल्प मी विद द वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं एंड किस तरीके से आप लाभान्वित हो सकते हैं इन लेवल्स का हम जरूर समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए, लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को बहुत सारा फायदा हो सके और उस फायदे का आप लाभान्वित होकर उपयोग कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम इसको सिंपल वे में देखते हैं कि देखिए जो भी लेवल्स थे, जितना भी तेजी आना था आया, ठीक है, वापस वो 4 दिन में धुल गया और अभी ये सपोर्ट को भी ब्रीच करके क्लोज हुआ। कल ये सपोर्ट आपको नीचे में भी ओपन होते हुए दिख सकता है। आज हमारे यहाँ छुट्टी है बट यूएस के मार्केट में अभी एसजेएक्स निफ्टी कल सुबह तक 1.5% माइनस में ट्रेड कर रहा था। दैट मींस 1.5% का मूवमेंट भी अगर हम देखें तो नीचे के साइड में आपको खुलने की आशंका है। तो मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो आप अंत तक जरूर देखिएगा और आपके जरूर वो काम में आएंगे। तो दोस्तों, अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है तो क्या लेवल्स होंगे और क्या स्टॉप लॉस होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो 30 से 260 की रेंज में आपको बाय करना है। योर टारगेट वुड बी व्हाट, योर फर्स्ट टारगेट वुड बी 18,320, ओके, एंड द सेकंड टारगेट 18,390, फोर्थ टारगेट इज 18,460 एंड if this will happen continue and take us a good move then 18,600 will be possible. okay, stop loss मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक्स है, अगर आप चाहे तो जाकर जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टेक्निकल प्रॉफिट चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी NISM इक्विटी सर्टिफाइड, अगर आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, मेरी एक्यूरेसी को अपने देखिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक और अकाउंट ओपनिंग की लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, घंटे का निशान दबाना ना भूले। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, योर स्टॉप लॉस वुड बी 18,000 to 18,020 इज द रेंज। ओके, दिस इज द बाय कॉल। ओके, एंड व्हाट विल बी द सेल कॉल, द सेल कॉल यू विल सी। और आने अगर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और चीजें की कोशिश करेंगे, जैसे कि बहुत सारे कुछ स्टॉक ऐसे जिनमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है तो उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर बने रहिएगा, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिएगा। तो जहां सेल करना है वो है अगर 18,080-200 की रेंज में आपको मिलेगा, योर फर्स्ट टारगेट वुड बी व्हाट, योर फर्स्ट टारगेट वुड बी 18,020, योर सेकेंड टारगेट वुड बी 17,960, ठीक है, योर थर्ड टारगेट वुड बी 17,880 एंड फोर्थ टारगेट वुड बी 17,060, ओके, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, योर स्टॉप लॉस वुड बी 18,350 प्लस, नॉट 350, ओके, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट There is a something cooking. Okay, चलिए, तो हमने आपको लेवल्स बताए, तो अगर आप चाहते हैं
वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरा एक और रिक्वेस्ट है, वो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो हो रहा है इंडिया में कोरोना वायरस के लिए, हम लोग जिस तरह समाज और के लोग समर्पित है उसका ध्यान दीजिए। ये पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता, कोरोना जब फेंकेगा ना तो पूरे परिवार को उखाड़ फेंकेगा, ठीक है? तो मूर्खता वाला काम ना करें, और अगर लोग कर रहे हैं तो जरूर उनकी शिकायत करें या उन्हें समझाएं। ना समझे तो फिर समाज भी समझाएगा, पुलिस वाले भी समझाएंगे, सीएम भी समझाएगा, पीएम भी समझाएंगे, सब कुछ होगा दोस्तों। तो प्लीज बी प्रोटेक्ट रहें, स्टे होम रहें, और प्लीज 21 दिनों तक फॉलो कर ले। अदरवाइज मे भी अगर 21 दिन कंटिन्यू रहेगा तो 3 महीना घर में सड़ जाएंगे दोस्तों। लोग जिनके काम धंधे नहीं चल रहे उनका क्या होगा, बेचारे गरीब लोगों का, ठीक है? धन्यवाद, आपका हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, प्लीज समाज में पॉजिटिविटी फैलाए ना कि नेगेटिविटी, अदरवाइज कोरोना नेगेटिव कर देगा लाइफ को भी और घर के बैलेंस को भी। धन्यवाद।